अक्सर हमने चारों ओर देखा होगा, समझा होगा, इवन खुद मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि छोटे उम्र के लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा उम्र के औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका अट्रैक्शन उन पर आ जाता है, किसी का तो दिल ही आ जाता है, किसी कोई कोई तो ऐसा होता है जो प्यार ही करके बैठता है। ऐसा क्यों होता है? कम उम्र के लड़के अक्सर कूगर फीमेल्स को इतना पसंद क्यों करते हैं, उनकी तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों होता है? देखिए, नेचुरली किसी बड़ी उम्र की औरत से प्यार कर लेना कभी गलत नहीं हो सकता। प्यार किसी भी एज में, किसी भी स्टेज में हो सकता है। इवन हर जगह पे इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। आप सचिन तेंदुलकर को ले लो, जिनकी वाइफ उनसे काफ़ी बड़ी है। आप और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ है, इवन सेलिब्रिटीज़ की अगर मैं बात ना भी करूँ तो नेचुरल आपके आसपास भी आपको बहुत सी जगह पे दिखेगा जो अपने से बड़ी उम्र की औरतों से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, घर बसाते हैं और उनका सुखी परिवार है। वो अलग चैप्टर है। मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल अट्रैक्शन की, फिज़िकल अट्रैक्शन की। ऐसा क्यों होता है कि कम उम्र के लड़के कूगर फीमेल्स पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं? इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं जो साइकोलॉजिकल भी है और फिजियोलॉजिकल भी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात कि जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं ना, वो थोड़ी सी शाय होती है, रिजर्व होती है। कितना भी लड़कियां बोल्ड हो, बट ये जो अट्रैक्शन होना, ये जो अपने आप को एक्सपोज करना, अपने आप को बोल्ड, छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की अपने आप को बोल्ड प्रूफ नहीं करती। मेरी वर्ड को उस तरीके से मत लेना कि मैं वो बता रही हूँ कि लड़कियाँ तो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती है। छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमने से ही अगर लड़कियाँ बोल्ड हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती ना, तो फिर साड़ी लपेटने वाली औरतों के पीछे लड़के बिल्कुल भी नहीं भागते। कम उम्र की लड़कियाँ जो होती है वो थोड़ी सी रिजर्व होती है, खास तौर से फिजिकल रिलेशन के मामले में, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होती है, वो सिक्योरिटी को फील नहीं करती और उसकी जो सोच होती है वो भी इस मामले में काफ़ी अलग होती है। दूसरी बात कि जो ज़्यादा उम्र की औरतें होती हैं ना, वो फुलर होती है और फिलर होती है, यानी कि उनकी बॉडी मैच्योर होती है। शायद ऐसी औरत को देख के उस लड़के को पसंद आया होगा जो पूरी यौवन से भरी हुई हो, आगे का पीछे का पूरा हिस्सा भरा हुआ हो, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है, क्योंकि प्रॉपर जब बॉडी मैच्योर हो जाती है ना, तो आव भाव जो गैस्ट्रिक पोस्चर होता है ना, वो सब कुछ बदल जाता है। और ज़्यादा उम्र की औरतें काफ़ी मैच्योर होती हैं और उनकी एक्टिविटीज़ भी अलग होती है। एक लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो पावर होता है, एक लड़की में कम और एक औरत में ज़्यादा होती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है, या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ईडी की शिकायत हो रही है और आपके बॉडी में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना ज़रूरी है। इसको के लिए आप मिस्टर्स बोर्ड फर्नमैन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पर काम कर रहा है। इसमें लिविजा और सफ़ेद मुसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसके कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफेद मुसली भी है जो तेजी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी डिविलो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिजायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपके बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा और ईडी की प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप एनहेंस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है। इसमें एलर्जिनाइन और क्लोव ऑयल होता है जो इसमें काम करता है। तो अगर आप एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हो। दवाई स्क्रीन पर नंबर है, उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको 34% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 3 वो है फिजिकल एक्सपीरियंस, यानी कि एक वारी लड़कियों को फंसाने में और पटाने में जितना वक्त लगता है, एक ज्यादा उम्र की औरत को पटाने में कम वक्त लगता है, क्योंकि हर चीज आधी आधी होती है ना। हो सकता है कि वो औरत भी चाह रही हो कि वो लड़का मुझे पटा ले, हो सकता है कि वो औरत भी सिग्नल दे रही है कि आओ और मुझे पटाओ, तो हर चीज दो तरफा हो जाता है। कोई वो औरत जो है उसका भी हो सकता है अपना इंटरेस्ट हो, तो हर चीज़ हो सकता है कि उस औरत को उस लड़के से कुछ चाहिए हो,
फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए हो, और इस मामले में कम उम्र की लड़कियां बहुत ही पीछे हैं, क्योंकि इस मामले में वो सिक्योरिटी को फील नहीं करती। जहां पे एक औरत को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि वो शादीशुदा ही हो सकता है कि वो इस मामले में एक्सपीरियंस्ड हो, तो अगर कम उम्र का लड़का जो नॉन एक्सपीरियंस्ड है अगर किसी एक्सपीरियंस औरत के पल्ले में पड़ जाए तो उसको दुगना मज़ा आता है। औरतें जो होती है वो लड़कियों से काफ़ी पावरफुल होती है हर मामले में, चाहे रिलेशन को टिकाने के मामले में हो, चाहे उसको अट्रैक्ट करने के मामले में हो, चाहे वो फिजिकल प्रेशर का हो, मेंटल प्रेशर का हो, किसी भी मामले में एक औरत हमेशा स्ट्रांग होती है एक लड़की से, और जिस वजह से कम उम्र का लड़का फंस ही जाता है ज़्यादा उम्र की औरतों के बीच। पर दोस्तों पता है एक चीज़ क्या होती है कि ये टाइप के रिलेशनशिप होती है ना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि पहली बात कि एक लड़का अगर मैच्योर और औरत के पल्ले में पड़ जाए और उसके साथ उसकी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, तो वो लड़का कभी भी उस औरत के साथ या उस लड़की के साथ सेटिस्फेक्शन को हासिल नहीं कर पाता जो नॉन एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि फिर उसकी जो एक्सपीरियंस थी ना वो अलग लेवल पे थी, और वो अचीव करते करते इस लड़के को काफ़ी समय लग जाता है, इसीलिए वो अपने पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। दूसरी बात होती है कि ऐसे रिलेशन में अक्सर फंसने का चांस होता है, क्योंकि जो कूकर फीमेल्स होती है ना वो अपने किसी ना किसी फायदे की वजह से कम उम्र के लड़कों को फंसाती है। हो सकता है कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो, क्योंकि कम उम्र के लड़के में जितना स्ट्रेंथ होता है, जितनी स्टैमिना होती है, पावर होता है, करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा उम्र के मर्द में नहीं होता, और जिसकी वजह से वो उसको फंसाता भी है, और अक्सर ऐसे रिलेशनशिप में फंसने की वजह से बहुत बार लड़के बर्बाद भी हो जाते हैं। नंबर 3, पैसे भी बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है, फोकस आउट होती है, और अगर आप एक्चुअली किसी ऐसी औरत के प्यार में पड़ जाते हो जो कूगर फीमेल्स होती है ना, वो कभी आपके साथ लॉयल नहीं हो सकती, और ऐसे रिश्ते को आप लॉन्ग टर्म में टिका भी नहीं सकते, और आपकी लाइफ किसी और ट्रैक में जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आप किसी बड़ी उम्र की औरत के लिए, किसी भाभी के लिए, किसी और जो भी आपके रिश्ते में हो, किसी के लिए अट्रैक्शन फील करते हो ना, तो सोच समझ के ही आगे बढ़ो। अगर आपको किसी से प्यार हो गया है, आप उसको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, वो शादीशुदा नहीं है और उसका भी आपकी तरफ सेम फीलिंग्स है, तो वो अलग बात है, बट सेक्स के लिए किसी के पीछे भागो ना, तो सोच समझ के भागो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।